ये देखिए, महिला पुलिस पर थप्पड़ बरसाता ये शख्स बिहार पुलिस में है, जो महिला कांस्टेबल को सरेआम गाल पर थप्पड़ मार देता है, सबके सामने पिटाई कर देता है, जैसे महिला कांस्टेबल इनके पिताजी की जागीर हो। ये वीडियो भोजपुर आरा से सामने आई है, जहां पुलिसकर्मी पर वर्दी की चर्बी कितनी हावी है वो देखिए। ये भूल गया कि ये किस पे हाथ उठा रहे हैं। पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई का ये वीडियो पुलिस महकमे में काफी बेइज्जती करा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस के वाहन के पास खड़े एक पुलिस जवान के द्वारा महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारा जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों के द्वारा बीच बचाव कर दोनों को हटाया जा रहा है। जबकि वायरल वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि ये गलत हो रहा है, महिला सिपाही को थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाना चाहेंगे, फिर पूरा मामला बताते हैं। हाथ लेडीज पे चला रहा है, गलत कर रहा है कि नहीं बताइए, सिपाही जी पर, सिपाही जी पर। तो देखा आपने, फुल टू द बन गई। बिहार के आरा में पुलिस जवान के द्वारा महिला पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में सनसनी मच गई है। वायरल वीडियो मंगलवार की दोपहर कोइलवर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 की है, जहां जमीनी विवाद के जांच पड़ताल के लिए पहुंची पुलिस टीम की आपस में ही किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और पुलिस वाहन के चालक महिला सिपाही को सरेआम थप्पड़ जड़ देता है। आपको बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कोइलवर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद मिराज जफर द्वारा 10 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर उसी वार्ड के निवासी मोहम्मद शमीम के खिलाफ थाने में शिकायत आवेदन दिया गया था, जहां लिखित शिकायत पर आवेदन मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी और वहां मौजूद लोगों के साथ पुलिस टीम की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक पक्ष के युवक को हिरासत में लेकर के वाहन में जैसे ही बिठाने लगा। इसी बीच पुलिस वाहन के चालक और महिला कांस्टेबल के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पुलिस वाहन के चालक द्वारा महिला कांस्टेबल को सरेआम गाल पर तमाचा मार दिया जाता है। इस घटना के दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इस वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया। वहीं इस मामले में भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव से जब पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महिला कांस्टेबल को और देखिए, एक वीडियो हमारे सामने आया है और कल कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा रात को भेजा गया था और आज जो है हमें ऑफिसर के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत अभी 24 घंटे के अंदर जो जाँच करके इस हिसाब से उसको जो भी निलंबन की कार्रवाई है, निलंबन की कार्रवाई करते हुए आगे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसकी सुनिश्चित की जाएगी। सर, महिला के द्वारा अभी उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं प्राप्त है, लेकिन हम लोगों का मामला संज्ञान में आ गया है, तो आवश्यक है 24 घंटे के अंदर हम जाँच करके जो है भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन वायरल वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट की जगहसाई करवा रहा है। पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ लोग कई तरह की चर्चाएं भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में आए दिन पुलिस की दबंगई देखने को मिलती है और इस बार फिर से महिला कांस्टेबल पर थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ। आरा से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।